तो सबसे पहले हम हैक्चुर थेरी की एजम्पन्स की बात करेंगे कि ये थ्योरी किन एजम्पन्स को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है सबसे पहला जो एजम्पन यहाँ पे लिया जा रहा है दैट इज़ टू नेशंस टू गुड्स एंड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो पहली दो चीज़ें हैं वो कंसिस्टेंट हैं फ्रॉम द प्रीवियस थीरीज जहाँ पे हम टू नेशंस की बात कर रहे थे नेशन वन एंड नेशन टू लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने टू फैक्टर प्रोडक्शंस की इंक्लूजन करवाई है एक तो ऑलरेडी हम जो पहले देख रहे थे इन फॉर्म ऑफ लेबर बट वी आर नाउ इंक्लूडिंग कैपिटल एज अ फैक्टर प्रोडक्शन इन सम इट इज़ टू बाई टू बाई टू मॉडल Previously, it was just two by two model, and labor was the only factor of production taken in those previous two theories. But here we can state this theory as two by two by two model, where two nations, two commodities, and two factors of production. So, this is its first assumption. Coming towards the second assumption, that is, same technology in both nations. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक एक्यूम किया गया है कि टेक्नोलॉजी सेम है इट मींस कि आपकी दो नेशंस के अंदर दोनों चीज़ों की प्रोडक्शन हो रही है और उस प्रोडक्शन के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो दोनों नेशंस के अंदर सेम है ऐसा नहीं है कि किसी एक नेशन के अंदर टेक्नोलॉजी बेहतर है और वो उस वजह से आपके पास ज़्यादा प्रोडक्शन ले रही है किसी एक चीज़ की तो दिस अजम्पशन शुड बी प्रैक्टिकली अप्लाइड इन मोस्ट ऑफ द नेशंस बाय बाय हैविंग अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी तो यहाँ पे फ़िलहाल हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि आपके पास टेक्नोलॉजी सेम है फॉर अंडरस्टैंडिंग जैसा मैंने कहा कि पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी सेम नहीं होती कुछ कंट्रीज़ के पास टेक्नोलॉजी बेहतर है इसकी एग्ज़ाम्पल करंटली अगर देखा जाए तो आपके पास एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर पाकिस्तान जिस तरीके से प्रोडक्शन ले रहा है एग्रीकल्चर की वो बहुत डिफरेंट है उस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से जो यूएसए के अंदर हो रही है या वो कनाडा के अंदर सपोज हो रही है या इवन न्यूज़ीलैंड और चाइना सपोज, तो वहाँ पे आपके पास टेक्नोलॉजी इज़ डिफरेंट इन ऑल दीज नेशंस देन द पाकिस्तान और वहाँ पे जो लेबर प्रोडक्टिविटी है वहाँ पे वो भी एक रोल प्ले कर रही है बट इंक्लूडिंग लेबर एक्सक्लूडिंग लेबर प्रोडक्टिविटी अदर फैक्टर्स में से एक फैक्टर टेक्नोलॉजी भी है एंड देन और बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं क्लाइमेट भी हो सकता है एजुकेशन भी हो सकती है ट्रेनिंग भी हो सकती है एंड मैनी मोर बट फॉर सिंप्लिसिटी हम यहाँ पे ये ज्यूम कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी सेम है देन एक्स इज लेबर इंटेंसिव एंड वाई इज कैपिटल इंटेंसिव हम यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट अजम्पशन है जिसकी बेस के ऊपर हम लोगों ने पूरी थेरी को एक्सप्लेन करता है कि आपके पास जो एक्स गुड है वो लेबर इंटेंसिव है वट डज इट मीन बाय लेबर इंटेंसिव लेबर इंटेंसिव से मुराद ये है कि एक्स चीज़ की प्रोडक्शन के अंदर लेबर ज़्यादा यूज़ हो रही है देन द कैपिटल और इसी तरीके से जो वाई गुड है उसके अंदर लेबर कम यूज़ हो रही है और कैपिटल ज़्यादा यूज़ हो रहा है और यही अगर आप देखें रियल वर्ल्ड के अंदर ऐसे ही नज़र आएगा कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी जिसके अंदर लेबर की यूज़ेज ज़्यादा है और कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जहाँ पे आपके पास कैपिटल का यूजेज ज़्यादा हो रहा होगा उसकी प्रोडक्शन के अंदर देन नेक्स्ट एजम्पन इज कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल कि अगर आप इनपुट्स के जितने यूनिट बढ़ाते हैं या जितनी अमाउंट से या जितने प्रोपोर्शन से आप इनपुट बढ़ाते हैं उसी प्रोपोर्शन से आपका आउटपुट भी बढ़ता है सपोज अगर आप कहें क्योंकि हम लोगों ने बात की है दो फैक्टर प्रोडक्शन है और रिज्यूम करते हैं कि लेबर और कैपिटल को अगर हम टेन परसेंट बढ़ाएँ तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल हमें ये बताता है कि प्रोडक्शन भी टेन परसेंट के हिसाब से बढ़नी चाहिए तो ये इसका नेक्स्ट जम्शन अगर आप देखें इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन इसके बारे में हम लोग काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं इट मीनस कि दोनों नेशंस दोनों कमोडिटीज़ की कुछ ना कुछ जो मकदार है वो प्रोड्यूस कर रही होंगी यानी कि नेशन वन जो है वो एक्स भी कुछ प्रोड्यूस कर रही होगी और वाई भी और नेशन टू जो है वो भी एट द सेम टाइम कुछ कमोडिटीज़ एक्स की प्रोड्यूस करेगी और कुछ वाई की प्रोड्यूस करेगी और इसकी रीज़न भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि नेशंस को इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सामना करना पड़ता है और हम ये भी कह सकते हैं कि इस थेरी की इम्प्लिसिट एजम्पन भी ये है इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की जिसकी वजह से आपके पास नेशंस जो हैं वो इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन की तरफ जाती हैं देन नेक्स्ट एजम्पन है टेस्ट आर इक्वल अब ये बेसिकली अगर हेक्शरोलन थेरी का बेसिक एसेंस देखें तो वहाँ पे ये मैंडेटरी नहीं है टेस्ट शुड बी सेम यानी कि टेस्ट सेम का मतलब ये है कि दोनों नेशंस के इंडिफरेंस कर्व जो होगा वो एक ही होगा जैसे हम लोगों ने लास्ट चैप्टर के अंदर ये लास्ट टॉपिक जब कंपैरेटिव एडवांटेज की बात कर रहे थे तो वहाँ पे डिस्कस किया था अगर टेस्ट सेम वाली सिचुएशन को देखें तो ज़रूरी नहीं है लेकिन वंस अगेन टू मेक सिम्पल इस थेरी को हम आसानी के लिए समझने के लिए हम इसके एजम्पन की तरफ चलते हैं टेट्स टेस्ट आर इक्वल यानी कि डिमांड प्रेफरेंसेस इन नेशन वन इज़ इक्वल टू द डिमांड प्रेफरेंसेस ऑफ नेशन टू इस एजम्पन को यहाँ पे हम इक्वल इस वजह से भी ले रहे हैं कि इस थेरी का जो एसेंस है वो है फैक्टर एंडोमेंट्स कि कौन सा फैक्टर किस कंट्री के अंदर ज़्यादा है लेबर ज़्यादा है या कैपिटल ज़्यादा है और उसी चीज़ को हम लोगों ने जो ऊपर एजम्पन में देखा कि लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव की बात हमने की है कि वो कमोडिटी जो लेबर इंटेंसिव है उसको एक्स का नाम दे दिया वो नेशन ज़्यादा बनाएगी जिसके पास लेबर ज़्यादा है इसको आगे चल के मज़ीद हम डिस्कस करेंगे टिल नाउ वी आर ज्यूमिंग दैट टेस्ट आर इक्वल ये कुछ एजम्पन हैं और बाकी कुछ एजम्पन हम लोग नेक्स्ट वीड्यूल के अंदर डिस्कस करेंगे